संग्राम सिंह, डॉक्टर सुरेश चंद्र सूर्यवंशी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इनके विचारों से प्रेरित महाराणा प्रताप जी, इनके शौर्य से प्रभावित ऐसा एक नवयुवक श्री पत्र हनुमान बाबोसा मंदिर में आकर अपने विधानसभा अभियान की शुरुआत करता है। शुभ आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, इनके परिवार की सीख भी रही है। संग्राम सिंह सूर्यवंशी का कहना है कि राजकारण और राजकारण के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। हम नहीं, तुम नहीं, तो फिर कौन होगा वो व्यक्ति जो राजकारण के खिलाफ मन में सोच तो रखता है लेकिन आवाज उठाने का धैर्य नहीं रखता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पहले तो राष्ट्रवादी से प्रचंड आशावादी थे संग्राम सिंह सूर्यवंशी, लेकिन प्रवाह के खिलाफ तैरना इनकी विशेषता रही है। लड़ना अन्याय के विरुद्ध, संघर्ष करना प्रस्तापित राजकारण के विरुद्ध, इनके रक्त में ही ये गुण धर्म रहे हैं। निकल पड़ा है ये नौजवान अपक्ष के रूप में अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म डालने के लिए। विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य आजमा रहे हैं संग्राम सिंह सूर्यवंशी, लेकिन क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी रणनीति, क्या है उनकी स्ट्रेटजी और जलगांव के लिए भी क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। दादा, क्या बोलना चाहेंगे? आज आपने अपक्ष की ओर से उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। पहले आपको आशा थी कि राजकीय पक्ष से आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन जलगांव की आशा दशा और दिशा बदलने की आशाएं लेकर आप उम्मीदवारी का फॉर्म भर रहे, क्या बोलेंगे? आज मैंने मेरा अपक्ष नामांकन यहाँ भरा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मन में साक्ष्य मानकर मेरा नाम निर्देशन पत्र ये जलगांव शहर विधानसभा में दाखिल किया है। आज मुझे इस जलगांव शहर को बदलना है और जलगांव शहर वासियों के मन में जो बदलाव है वो सचमुच में करके दिखाना है। जहां धन शक्ति का वापर हो रहा है, जहां गांधी जी के फोटो वाली नोट का वापर हो रहा है, वहां मुझे गांधी जी के विचारों से जिससे हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को ध्यान में रखे जलगांव को भी सही मायने में जो समस्या है उनसे स्वतंत्रता मिलाकर लोगों को देनी है। दादा, कहा जाता है कि जलगांव शहर में, जलगांव जिले में पढ़ाई के कारखाने तो बहुत बन गए हैं, लेकिन काश रोजगार के भी कारखाने बन जाते तो बच्चों को मुंबई पुणे जाने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रेन ड्रेन ये बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ के युवा स्थलांतर हो चुके हैं जलगांव से। इस युवा वर्ग को वापस लाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और वो स्टेप्स मेरी उठाने की पूरी तैयारी है। यहाँ के जो आने वाली पीढ़ी है वो ये वापस जलगांव छोड़ के ना जाए, और जो गई है वो वापस जलगांव कैसे आए, जलगांव की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, MIDC डेवलपमेंट, यहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए IT सेक्टर का डेवलपमेंट और इसी के साथ टूरिज्म का डेवलपमेंट, और शहर को जो सही मायने में चीज लग रही है डेवलपमेंट में, उस चीज का यहाँ उस चीज को लाना, ना कि जो चीज जरूरी नहीं है उसको जबरदस्ती शहर में निर्माण करना। ऐसे चीजों से अलग हटके कुछ काम करने की मन में मैं आशा रखता हूँ। दादा, जो सर्वसामान्य लोग हैं उनकी नेताओं से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती है, सिर्फ जो बुनियादी सुविधाएं है, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली, इतनी ही आवश्यकता होती है, लेकिन वो भी नेता लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। आप एक नया चेहरा हो, फ्रेश चेहरा हो, पूरी पार्टी हो, तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहेगी। देखो, सबसे पहले तो उम्मीद लोगों में बढ़ानी पड़ेगी। उम्मीद ही जो बढ़ेगी तो लोगों की आशा बढ़ेगी, उनके नेताओं से जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जलगांव की जनता को पहले ये समझना होगा कि उनको अगर बदलाव चाहिए तो खुद बदलना होगा। जो धन शक्ति का वापर लोग करते हैं वो सही मायने में बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो कहीं से वो पैसा निकालने की कोशिश बाद में करेंगे। तो लोगों को पहले बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव अगर लोग अपने मन में लाते हैं और सही कैंडिडेट को वोट करते हैं, काम करने वाले कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो बदलाव जरूर आएगा। बदलाव आने में देर नहीं लगेगी। कितने आशावादी है? मैं 100% आशावादी हूँ कि जलगांव शहर के लोग मेरा साथ देंगे, उनको बदलाव चाहिए है, और मैं लोगों की सेवा करते रहूंगा, निरंतर करते रहूंगा। आपका पूरा नाम बताइए जनता को। मेरा पूरा नाम संग्राम सिंह सूर्यवंशी हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं जनता के?
मैं जनता को यही बोलूंगा, सोच समझ के वोट दीजिए, अपना काम करने वाले उम्मीदवार को वोट दीजिए। उम्मीदवार क्या करता है, पैसा कहाँ से कमाता है, उसकी जो पार्श्वभूमि है वो उन्होंने जाननी चाहिए। सोच समझ के वोट देना चाहिए जनता ने, और सब लोगों ने बाहर निकल के वोट का अपना जो कर्तव्य है वो पार करना चाहिए।